2019 में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। तो एक बार फिर से R9 टीवी का जो कारवा है वो बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है और आज पहुंच चुका है खरकौदा विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, हर एक 90 सीट का हालचाल हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वहां की समस्याएं किस तरह से बनी हुई हैं और जो नेता हैं जनता उनसे कितनी खुश यहां पर मिलती नजर आ रही है। लेकिन बात अगर खरकौदा सीट की यहां पर कर ली जाए तो जाट बहुल इलाका है, सोनीपत में आता है। सोनीपत की एक सीट यहां पर है, 6 सीटें हैं, उनमें से एक सीट ये है जिसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो वर्चस्व है यहां से हमेशा से ही जीत कर रहा है, हमेशा से ही कांग्रेस यहां पर जीतती रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की लहर पूरे देश में है, लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह के नतीजे हमने हरियाणा में देखे वो 10 में से 10 थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में क्या होगा? क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को कभी भी एक अच्छी खबर तक यहां पर मिल नहीं पाई है। और अगर पूरा ग्राफ देखा जाए, इतिहास यहां पर देखा जाए, सालों साल की जो विधानसभा चुनाव है उनको देखा जाए तो तीसरे से चौथे नंबर पर हमेशा से यहां पर बीजेपी रही है। लेकिन कांग्रेस का ये गढ़ रहा है और सबसे ज्यादा हुड्डा का ये गढ़ रहा है, तो ऐसे में उनकी जो धाक है इसी के चलते कांग्रेस जो है आज तक अपने वजूद को यहां पर कायम कर पाई है। लेकिन अगर और भी पार्टियों की बात करें, चाहे वो INLD हो, JJP हो, तो हर कोई अपना इस बार देखे खरकौदा सीट से तो जीत का दावा यहां पर कर रहा है। लेकिन हालात फिलहाल यहां पर किस तरह के बन रहे हैं ये हम यहां पर जानेंगे, नेताओं का परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले जनता का परिचय यहां पर करा देते हैं। सीधे रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी आशिमा का। बिल्कुल, शुक्रिया ऋतु। तो जनता के बीच मैं हूं आशिमा त्यागी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस चुनावी फिजा में आखिर बयार किसकी बह रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता निभाती है। जनता मेरे साथ मौजूद है और एक बार जनता से ही जान लेते कितनी एक्साइटमेंट यहां पर, जनता को जोरदार तालियों के साथ। तो बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ जनता ने अपना स्वागत जो है वो कर लिया है। बहुत से सवाल जनता के मन में होंगी, जहन में होंगी, जानेंगे ऋतु। तो हम मैं ऋतु को एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ और हमारे जो खास मेहमान को स्वागत ऋतु करेंगी। बिल्कुल, चलिए, जनता का स्वागत यहाँ पर हो चुका है, लेकिन जनता के सवालों का अगर सबसे ज्यादा किसी को इंतजार है तो वो वहां पर नेता है और नेता हमारे साथ आ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर हैं इनेलो के हरि प्रकाश मंडल जी, संभावित उम्मीदवार ये इस बार के कहे जा रहे हैं खरकौदा विधानसभा क्षेत्र से। वहीं JJP से हैं हमारे साथ राजकुमार रिढाव, सीनियर नेता है और प्रवक्ता भी है पार्टी के। वहीं BJP से कुलदीप काकरण है, 2014 में उम्मीदवार भी थे लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए, एक बार फिर से यहां पर उम्मीदवारी अपनी जता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के भी जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी निजी कारणों के चलते वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र 2019 की, हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, लेकिन सुगबुगाहट किस तरह से प्रदेश में है इस चुनाव को लेकर, इसका सीधे रुख कर लेते हैं और जानते हैं, सीधे दागते हैं सवाल नेताओं पर कि आखिरकार इस बार किस तरह की जीत का दावा उनके जरिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी के नेता जो हैं उनसे ही है, सर अच्छी खबर अब तक नहीं मिल पाई है आपको, इस बार किस तरह की उम्मीद, मोदी मैजिक की उम्मीद एक बार फिर से कर रहे हैं आप क्या? ये हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से हमने 10 की 10 सीटें जीत करके ये बता दिया कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से वर्चस्व है और जिस तरह की बयार हमने लोकसभा में बाही है ठीक उसी तरह की बहार अब की बार विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। और हम बिल्कुल दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत के साथ खरकौदा विधानसभा जीतने जा रही है। ये दावा कैसे कुलदीप जी, कैसे दावा अगर इतने सालों से अच्छी खबर आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस बार ऐसा क्या जीत का मंत्र दे दिया गया है कि इस बार इतनी उम्मीदें जताई जा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी हैं, आप देखेंगे केंद्र स्तर पर देखेंगे और प्रदेश स्तर पर देखेंगे, दोनों स्तर पर पाएंगे कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के जनता के हितों की बात करते हैं और हमारे अंदर एक जज्बा है राष्ट्र भावना का। आज हर व्यक्ति, चाहे वो खरकौदा का हो, चाहे वो सोनीपत का हो, चाहे हरियाणा का हो, सभी के सभी इस बात से सहमत हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर हमने विधानसभा में, बेशक हम पिछली बार ना जीत पाए हों,
लेकिन अब की बार जिस तरीके से हमने विकास कार्य करवाए, जिस प्रकार से हमने लोगों के बीच जाकर के वो लोगों के साथ जुड़ने का काम किया है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी खरखोदा से अब की बार जीतने जा रही है। चलिए तो देखना होगा, क्योंकि विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास कितना आपने किया है उसका निर्णय जो है आखिरकार जनता को ही करना है, जनता ही यहाँ पर रिजल्ट तय कर देगी। राजकुमार जी, कांग्रेस हमेशा से यहाँ पर जीती है, जैसा कि बीजेपी का रहा है पीछे का रिकॉर्ड, तीसरे से चौथे नंबर पर आई है, लेकिन हमेशा दूसरे नंबर पर जो होता है उम्मीद उसके लिए ज्यादा बढ़ जाती है कि शायद इस बार वो जीत दर्ज कर जाए। आप दूसरे नंबर पर रहते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होया, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की, और उस टाइम पे मौलाना मसूद अजहर, जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी था, हिंदुस्तान की जेल में था, उसको छोड़ करके जहाज में बैठा करके बीजेपी के बहुत सीनियर नेता श्रीमान जसवंत सिंह जहाज में बैठा करके, उसके समय तीन आतंकवादी और भी थे, 20 करोड़ रुपए लेकर के कंधार में छोड़ने का काम किया। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। कारगिल में अटैक हुआ, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। पुलवामा हुआ, उस टाइम पर सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। दुर्भाग्य की बात यह है, आज तक शहीद हुए हमारे बच्चे हुए हैं, गाँव देहात के हुए हैं, इनका ना देखो बेटा भाई शहीद होया, ना इन्होंने कभी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। मैडम, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे दो खाने थे, एक गरम दल था एक नरम दल था। गरम दल का नेतृत्व नेता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। आरएसएस वाले बीजेपी वाले देश की आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे। भाषण अभी मत करिएगा, ये तो कह रहे हैं देशभक्ति की बात, क्यों चुना जाए? देशभक्ति का बीजेपी का दूर दूर तक कहीं मेल नहीं है। राजकुमार जी देखिए, भाषण तो सुनने नहीं आई ना जनता, जनता तो यही बता रहा हूँ, इन्होंने बीजेपी वालों ने देश को बदगला करके देशभक्ति की जो बात कह रहे हैं कहीं पे खड़े नहीं उतरते। इन्होंने ये जुमलों की पार्टी है, जुमलों के तहत देश के गरीब जनता को बहकाने का फंसाने का इन्होंने काम किया, प्रयास किया। आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए, आप अपनी पार्टी की बात करिए। जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल के अथक प्रयास से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है जिसकी आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ है, साधन संपन्न प्रदेश है, हरा भरा प्रदेश है, जिसके अंदर 36 बिरादरी के आदमी मिलजुल करके रहते हैं। 36 बिरादरी के आदमी एक थाली में खाना खाते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, एक कप के अंदर चाय पीते हैं, इतना आपस का प्यार है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पार्टी ने इस 36 बिरादरी के भाईचारे को खराब करने का काम किया। हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलालों के असूलों पर, उनकी नीतियों को लेकर के चलने वाली पार्टी है, जिसका नेतृत्व आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी किसानों के हितार्थ, बहुत बोलिए, आपने बता दिया कि हरियाणा का भूगोल क्या है, हरियाणा का इतिहास क्या है, आपने अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया, दादा पोते का प्यार आखिरकार कहां थम गया है ये आपने नहीं बताया। नहीं, अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तब बताइएगा। आप बताइए जी हरिप्रकाश जी, क्या आप किस तरह से अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ते हैं, किस तरह से जीत की बात करते हैं, कांग्रेस का जो गढ़ रहा है उसको कैसे तोड़ने की कोशिश? मैडम, सबसे पहले तो मैं R9 टीवी चैनल का और प्रताप स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम जो है खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, आप सभी का धन्यवाद। दूसरा, हमारे काकरन साहब ने एक बात कही कि हमने विकास किया खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में, ये बता दें कि हमने ये काम किया है, एक भी ईंट अगर खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों ने लगाई है वो हमारे को बता दे, ये सारी जनता बैठी इनके सामने, अगर एक कोई भी विकास किया, इन्होंने विकास किया है गाय, गीता, मुसलमान और मंदिर का, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारा जहाँ तक जो है विधानसभा चुनाव का वो है, हम पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ जीत कर दिखाएंगे। चलिए आशिमा के पास हम चलेंगे। आशिमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेताओं की बातें आपने सुनी, किस तरह से जीत का दावा यहाँ पर कर रही हैं, जनता के पीछे साथ आप चलिए, जनता से पूछिए कि आखिरकार सवाल किस तरह से मन में उनके टटोले जा रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, तमाम राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी जीत का दावा तो ठोक रहे हैं, लेकिन खरखोदा की जनता क्या कहती है, उनके मन में किस तरह के सवाल है और आखिर
वो किस पार्टी का रुख कर रहे हैं, यही हम जानने की और उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे हमारे बीच है वो अपनी जीत का दावा तो ठोक रहे हैं, लेकिन खरखौदा के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? विकास की जहां तक बात है, प्रत्येक पार्टी चाहे वो कोई पार्टी है, उसने शिक्षा चिकित्सा और सुरक्षा पर काम करना चाहिए। इन जो मुद्दे हैं वास्तविक विकास के, उन पर जिस दिन काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की ओर जो खुशहाली और बढ़ेगी। विकास के मुद्दों पर काम हो जाएगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, आप क्या कहेंगे? बीजेपी बिल्कुल बुखरा रही है और लोगों को परेशान करने लगी, 5 साल पूरी लाइन पर। लेकिन यहाँ तो बीजेपी नहीं, यहाँ तो कांग्रेस। नहीं नहीं, यहाँ कांग्रेस एमएलए कांग्रेस का है ना, सरकार तो बीजेपी की है। पूरे 5 साल से पब्लिक लाइन में लगी है कि जीएसटी, कई नोटबंदी, कई बीपीएल के कार्डों के फार्म ऑनलाइन कराने, 200-200 रुपए में फार्म ऑनलाइन होते हैं। गरीब आदमी के पास 10 रुपए खाने के लिए तो अपनी दाढ़ी तोड़ो और 200 रुपया फार्म ऑनलाइन होता है। बीजेपी सो रही है, उसको नहीं देख रही 200 रुपये गरीब आदमी लाए कहाँ से। एक रुपये के फार्म के ऊपर जो बीपीएल बनता था, आज वो 200 रुपये में ऑनलाइन करवाना पड़ रहा है। जी सर, आप गौर फरमाइएगा। जी हाँ जी, क्या सवाल आपका? भैया हर एक काम इसने लिया है, बिल्कुल भी जी, नोटबंदी है, जीएसटी है, इससे परेशानी बढ़िया है और जो आर्थिक मंदी है देश में, नुकसान हुआ हर एक, जो ये प्राइवेट सेक्टर देश में भी, देश को नुकसान हुआ है इसमें। और किसी के मन में कोई सवाल? ये काकरान साहब अभी कह रहे थे कि बहुत विकास हुआ है, अभी एक बार गोपालपुर रोड पे घूम के देखें ये क्या विकास हो रहा है। 3 साल से गंदा नाला साफ नहीं हुआ है इस सरकार में। बिल्कुल गंदा नाला साफ नहीं हुआ है, एक और मुद्दा हमें मिल गया है, आप क्या कहेंगे सर? मैडम मैं कहना चाहूंगा, जो दोनों के दोनों सवाल उठा रहे हैं ये विपक्ष में, इनका एमपी के इलेक्शन में क्या हाल था? इनकी जो है कहीं से जमानत बची है कहीं पर? इनका पूरे हरियाणा में अगर 90 सीटों में से देखा जाए तो एक कैंडिडेट विजयी हो सकता है, अन्यथा कहीं पर इनका वजूद नहीं है। हरियाणा से इनका वजूद साफ हो गया। जी, हरियाणा से वजूद साफ हो गया है बीजेपी के पक्ष में। हाँ जी, देखो इनके मेन उद्देश्य दो थे, एक गाय की रक्षा करना, एक जो है जातिवाद को बढ़ाना। जी, इसके अलावा इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। किस पार्टी की बात? बीजेपी ने। जी, जो गाय की व्यवस्था है आप देख लो, कहाँ किस किस व्यवस्था में आप गाय के हालात हैं, जगह जगह गौशाला बना दी, न उसमें चारा है न रहने की जगह है, पैसा खाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। हाँ ठीक है, इन्होंने वोट लिए हैं जाति के कारण, जाति बांट करके उन्होंने जो है ना हर आदमी के अंदर, आप क्या बोल रहे हैं? जाति बात कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है। इधर भी हमारे साथ जनता है, उनसे भी जान लेते हैं उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास की बात जो है वो कही जा रही है, कोई बीजेपी के पक्ष में है। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि खरखौदा हम पहुंचे हैं, यहाँ के बुनियादी मुद्दे तो आप ही बता सकते हैं। आज तक ना यहाँ जीती ना कभी आगे जीतेगी जब तक सृष्टि रहेगी, नोट कर लेना बात नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर चैलेंज हो गया सर आपको, बताइए। देखो जी बात सुनो, जब से ये सृष्टि रची हुई है ये तो कुछ तत्व कुछ किसी कारण की किसी माध्यम से ये यहाँ पर सफल होगी, नहीं तो बीजेपी का यहाँ पर क्या महत्व है? एक बात देख लीजिए आप, नोटबंदी के तौर पर यहाँ पर एक मजदूर 200-200 रुपये बैंकों में लाइन लगा करके रहते थे, इतने परेशान होते थे, और उसी दौरान के अंदर बीजेपी नेता एक राजस्थान के अंदर 650 करोड़ रुपया एक शादी के अंदर लगा रहा। क्या ये मोदी जी कहते काला धन ले आएंगे और कहते वो काला धन कहाँ है? चलिए चलिए राष्ट्रीय मुद्दों की हम बात बाद में ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खरखौदा है, बुनियादी मुद्दे हैं सर, तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत तरह के सवाल जो है वो उठ रहे होंगे, तो आपके मन में किस तरह के सवाल है? मैं ये पूछना चाहूंगा काकरान जी से कि आप पूरे खरखौदा हलके में एक काम बता दो कि आपने एक काम करके दिखाया खरखौदा हलके, हम मान जाएंगे आपको बीजेपी जब। लेकिन आप तो मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी को मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ से। नहीं, 5 साल का राज रहा है, 5 साल में भाईचारा खराब करा है, 3 बार हरियाणा को ने चला दिया, हर बार जात पात जो हिंदू है उनकी वहाँ शमशान में लाइट है, कपड़े मुस्लिम है उनके वहाँ लाइट नहीं है, उनके वहाँ गली नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ भाईचारे को बांटा है और इन किसान इन्होंने कुछ नहीं किया।
लोगों को डिवाइडेड रूल उस पत्ती पर चल रहे हैं, इनका आने वाला कुछ भी नहीं है, नथिंग खत्म हो जाएंगे। ये भाईचारा बांटने का भी आरोप अब आप पर लग गया है, चैलेंज भी कर दिया है, और आपका क्या सवाल? मेरे सवाल है जी, बीजेपी से सवाल है मेरा, मैं जो किसान बेटा हूँ, वो किसान बेटा होते ना, मैं ये जानता हूँ कि किसान जो है ना खेत में कैसे फसल उगाता है, वो कैसे जो है पानी देता है, लेकिन उसका फसल मुआवजा टाइम पर जो है फसल दाम नहीं मिलता, और हमने गेहूँ उगाया या बाजरा उगाया जो सुबह शाम मेहनत करी, उसके तहत चार क्विंटल बाजरा खरीदे, बाकी अपने घर ले जाओ, घर ले जाए भाई, बाजरा घर कहाँ ले जाएंगे? और जो है दूसरी बात ये है, अगर जो जैसे फैक्ट्री वाले अपने वो तो लगाते हैं, आप उत्पादन करते हैं, उनको क्या रोक है उन पर? ऋतु, देख रहे हैं आप, जनता में गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, बहुत से चैलेंज जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल आशिमा, जिस तरह से आप लोगों से बात कर रही थी, ये साफ जाहिर हो रहा था, भले ही विधायक यहाँ पर बीजेपी के ना हूँ, लेकिन गुस्सा बीजेपी को लेकर यहाँ पर ज्यादा है, और उनसे पूछा जा रहा है विकास की बात आपने की थी, लेकिन ये कैसा विकास है? क्या भेदभाव तो नहीं कि अगर खरकौदा में बीजेपी का विधायक नहीं है तो हम उसे कुछ यहाँ पर फंड नहीं देंगे, कोई विकास के कार्य नहीं होगा? देखिए, हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ 90 की 90 विधानसभा में समान रूप से विकास किया है। इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये खरखोदा को रेल से जोड़ने का काम किया है, रेल यहाँ पर पास हो गई है, और इस खरखोदा के अंदर IMT थी जो पिछले 20-25 साल से रुकी पड़ी थी, लोगों की जमीनें रुकी पड़ी थी, उस IMT पे काम करवा दिया है, और आप देखेंगे कि यहाँ करोड़ों रुपए में आप सेक्रेटरिएट का निर्माण शुरू हो गया है। यह एक गंदा नाला था पूरे खरखोदा क्षेत्र के अंदर, एक अपने इसके बस स्टैंड के पीछे में पिछले 20-30-50 सालों से उस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उस गंदे नाले का निर्माण किया, वहां पर परकवार का निर्माण किया हमने, यहाँ पर देखा। कुलदीप जी, अभी भी हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो गंदे नाले, गंदगी, सड़कें टूटी हुई बहुत देखी हमने, ऐसा तो झूठ कम बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप दोबारा जाइए। मतलब कौन सी रोड पे भेजे जाएंगे, जहाँ आपने काम किया क्या उसी सड़क पर भेजना चाहेंगे हमें? आप जहाँ तक बात गंदे नाले की, मैंने बताता हूँ बुनियादी क्या है कि यहाँ खरखोदा का जिस तरीके से शहर का विकास हुआ, उसमें इसके नाले की व्यवस्था ठीक से नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने नाले बनाए, ऊंचे टीढ़े बना दिए, उसका पानी की निकासी नहीं हो रही थी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई, हमने दोबारा से उन नालों के निर्माण कराने के लिए उस पर खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आप देखेंगे कि पार्क का निर्माण होने लग रहा है, आप देखेंगे कि खरखोदा के अंदर एक खेल स्टेडियम है, उसको पास करा दिया। जहाँ तक पशुओं की बात की है, हमने पशुओं के लिए गौशाला बनवा दी है वहाँ पर। कोई कारगर नहीं है, कोई सफल हुआ ही नहीं है आज तक। आवारा पशु किस तरह से गलियों में घूम रहे हैं, किस तरह से हादसा हो रहा है, कोई कारगर नहीं है आपकी योजना अभी तक। देखिए, जहाँ तक पशुओं की बात है, ये लोग सब समझते हैं, जब कोई चीज अवांछित हो जाती है, जिसकी उपयोगिता कम हो जाती है, ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। सुबह दूध निकाल के सारा दिन गाड़ियों में छोड़ देते हैं। सरकार का काम गौशाला बनाना है, या ना कि एक गौशाला गाय को पकड़ करके गौशाला में भेजने का, यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है, समाज भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। ये सारे लोग, ज्यादातर यहाँ हिंदू लोग बैठे हैं, इनकी गाय के प्रति कोई जवाब नहीं। जाति की बात तो अभी शुरू ना ही करें तो बेहतर होगा, ये जातिगत समीकरण अभी बिठाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये रहने दीजिए। खैर, खरखोदा की बात कर रहे हैं, विधायक नहीं है, लेकिन सोनीपत में आपके विधायक, उन्होंने भी कुछ कमाल करके दिखाया नहीं है। राजकुमार जी, इन्होंने तो बहुत विकास कर दिया, दावे तो बहुत कर रहे हैं। पिछले विधानसभा के अंदर सोनीपत विधानसभा से श्रीमती कविता जैन विधायिका बनी, उसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसको कैबिनेट का रैंक मिला, और सोनीपत जिले के अंदर एक कैबिनेट मंत्री बनी कविता जैन जी। प्रत्येक आदमी को ये खुशी हुई कि चलो सोनीपत को एक रैंक मिला है, कैबिनेट रैंक मिला है, कुछ काम होंगे। लेकिन सोनीपत जिले, सोनीपत शहर, खरखोदा और दूसरे कस्बों का दुर्भाग्य है ये, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ की एवरेज में बता दूं, सोनीपत जिले की 3 मर्डर की डेली की एवरेज है मैडम, और 5 बलात्कार डेली के हैं, 15-20 चोरियां हैं, 8-10 छिना झपटी हैं। लाइट, ये सवाल किसके लिए? कांग्रेस के लिए जो भी यहाँ पर है, नहीं, या बीजेपी के लिए? बीजेपी की सरकार, उनके लिए लैंड ऑर्डर की स्थिति ये है। ये कहते रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
स्थिति यह है जिस माँ बाप की बेटी स्कूल या कॉलेज में जाती है जब तक वो वापस नहीं आ लेती परिवार चौकन्ना रहता है ठीक ठाक बेटी आएगी या ना आएगी। इतनी दयनीय हालत सोनीपत की है। इस खर खोदे शहर की सुन लो, आप किसी कॉलोनी में चले जाओ सीवर का पानी गलियों के अंदर एक एक दो दो फुट बह रहा है। बच्चे स्कूल में जाते टाइम पांव ऊपर करके जब जाते हैं बड़ी दयनीय हालत खर खोदी कबाड़ के ढेर के अंदर तब्दील कर दिया गया। ना यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना सीवर की व्यवस्था है, ना कोई गलियां हैं, ना कोई सड़कें हैं, ना लैंड ऑर्डर है। अच्छा, आने का दावा करते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव आने वाले टाइम पर हरियाणा के अंदर 80% आदमी कमेरा वर्ग है जो खेत और किसानी से जुड़ा हुआ है। आदरणीय दूसरे चौटाला जी, बहन आप अभी जैसे गलतियां गिनवा रहे हैं जो विकास के काम नहीं किए हैं किए जाएंगे आपके जरिए क्या? वो ना बताओ तो 80% आदमी हरियाणा के अंदर कमेरा वर्ग है। बहन मायावती जी, आदरणीय डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के प्रयास से जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा के अंदर गठबंधन हुआ है और 80% आदमी उनके साथ जुड़े हुए हैं कमेरा वर्ग। और आने वाले टाइम पर हम बिल्कुल तय है, निश्चित है हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की साझा सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो सुना है आपने लोगों को और नेताओं को भी किस तरह से यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं और किस तरह से छींटाकशी एक दूसरे की पार्टी पर की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक सरकार यहाँ पर बन नहीं जाती है। विधानसभा चुनाव को लेकर हम हर एक विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी यात्रा को लेकर जा रहे हैं और तमाम राजनीतिक नुमाइंदे जो है वो अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। जनता के बीच मैं हूँ और जनता के बीच कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि बीजेपी, इनेलो, जेजेपी को लेकर तो सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ बेशक माना जाता हो लेकिन कांग्रेस को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। सवाल हम ले लेते हैं, सर आप क्या कहेंगे? मैडम जी, ऐसे है, कांग्रेस ने, मैं 68 साल का, 69वां साल हो गया मेरा जी, हम जिए नहीं जितने दिन हम जिए, एक आजाद नहीं है हम। कांग्रेस ने हमारे को लूटा और कांग्रेस ने वो रिश्वत खोरी चलाई है जो कि शुरू में भजनलाल बना तो लोग चंडीगढ़ में गए कि भाई हम मर गए, हमारा फलट आ रहा है हरियाणा में, जो बोला रिश्वत देगा वही काम क्यों ना करा लिया था, आ रहा है तुम बेवकूफ, वो इतना खर्चा करके, तो ये हरियाणा तो आज वो MLA यहाँ नहीं है, वो क्या शकल दिखाएगा, उसने खरखोदा का नाश कर दिया, वो चुप बैठा है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को क्यों यहाँ पर वोट दिया जाता है? कांग्रेस को वोट नहीं देंगे मैडम, कच्चे भी नहीं जाके। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरह से कांग्रेस को लेकर भी गुस्सा है और ये गुस्सा साफ जाहिर करता है कि राजनीतिक दल के नुमाइंदों से कोई शिकायत नहीं है लेकिन उनके काम को लेकर काफी नाराजगी है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके क्या सवाल है, क्योंकि हर एक पार्टी के लिए अपनी नाराजगी जाहिर लोग जो है वो कर रहे हैं, किसी को किसी का काम पसंद आता है। आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं कहना चाहूंगा राजनीति होती है नेता, नीति और नियत। जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना नीति है और ना उनकी नियत है, ना उनकी नियत ना नीति ना उनके पास नेता तो है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी एक परिवार है, वही इनका हाल है, एक परिवार के दो हैं। अब ये परिवार में इकट्ठे नहीं रह सकते तो ये देश को या जो अपने प्रदेश को या अपने विधानसभा को क्या इकट्ठा करेंगे? ये इनेलो और जेजेपी के लिए कटाक्ष जनता के बीच से आपके सवाल। आपको पहले बता देना चाहता हूँ विकास के कार्य और गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए। उज्ज्वला योजना के तहत खरखोदा हल्के के अंदर 12,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 2200 सरकारी नौकरियां दी गई है और DC रेट पे। ठीक है, आप ये उपलब्धियां गिन पा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया जरा जनता की तरफ से? इस बार जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से जिताएगी और उनकी सभी की, मतलब इस बार स्थिति बीजेपी के लिए क्या बदलती नजर आएगी, आप क्या कहते हैं? बीजेपी वाले भाई से पूछ रहा हूँ, काकरान साहब के ऑफिस के सामने 2 करोड़ रुपए खाए गए जोड़ के पानी निकालने के नाम पे, क्या आज तक उनको पूछा है भाई क्या हो रहा है ये? पैसे खाने का आरोप लग रहा है आप पर। 2 करोड़ जी जी बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर नाराजगी है और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए स्थिति कहीं ना कहीं खरखोदा में बदल सकती है। आप क्या मानते हैं कि वाकई बीजेपी के लिए स्थिति बदलेगी? ये बीजेपी वाला ने ये बोला था 2 लाख नौकरी जी हम देंगे हर साल, लेकिन ये नू बता दो फार्म कैंसिल कई बार करेंगे, फार्म भरे कैंसिल हो गए तो नौकरी देंगे, जब ना फार्म ना भरे जानते भरा कैंसिल। रोजगार
रोजगार भी एक मुद्दा यहाँ पर है और युवा हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि वो बहुत बेहतरी से बता पाएंगे, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। बिल्कुल, आप युवा पीढ़ी से हैं और रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या कहते हैं कि क्या जो वादे किए जाते हैं तमाम दलों की तरफ से वो वादे पूरे आपके लिए, कोई शिकायत रोजगार को लेकर? अब की बार देखो, बीजेपी सरकार ने वैकेंसी तो बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे निकाली है, लेकिन अब युवा ये इंतजार में है कि कब वैकेंसी पूरी होएंगी या नहीं होएंगी। अब युवाओं की तो यही मांग है कि वो इलेक्शन से पहले इन भर्तियों को पूर्ण कर दें और युवाओं को रोजगार मिले। मैं एक बार फिर से अपनी सहयोगी रितु का रुख करूंगी। रितु, सवाल आप लें, उससे पहले मैं एक बार बीजेपी की तरफ ही रुख करूंगी। सर, आप पर पैसे खाने का आरोप लगा रहे हैं, काकरन साहब मैं आपका ही रुख कर रही हूं। आपने सुना कि किस तरह से जोड़ के नाम पर पैसे खाने का आरोप, रोजगार जो 2 लाख नौकरियों की वादा आपने किया था वो पूरा नहीं कर पाई सरकार, बीच में से सवाल आया है, इस पर जवाब दे दीजिए जनता को। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ शासन कर रही है और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति हो गई इनकी, इनका बंटाधार हो गया है, चारों खाने ये चित हो गए हैं, इनके पास बोलने के लिए ना कोई बात रह गई है, केवल आरोप लगा रहे हैं। मैं खुले में चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सिद्ध करके दिखाए, कल ही हम इसकी जांच बैठवाएंगे। लेकिन ये जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों से कुछ भला होने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ शासन कर रही है, नौकरी ईमानदारी के साथ दी गई है। और मैं कह रहा हूं, हरियाणा पूरे देश के अंदर इतिहास बन गया है, पूरे देश ने हरियाणा से शिक्षा लेनी शुरू कर दी है कि जिस प्रकार से ईमानदारी के कारण यहाँ पर लोगों को नौकरी मिली है वो इतिहास बन गया है। और आप देखेंगे कि पूरा देश उस बात को लागू करने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री कुलदीप जी, अभी जो नौकरियों की आप बात कर रहे हैं ना कि इतिहास बनाए, अभी के चुनाव में बता देंगे आप लोगों ने कितना रोजगार दिया है। जो युवाओं को गुस्सा है ना वो साफ बता रहा है। और ये अभी क्या हुंकार, इसलिए कि अभी कांग्रेस को लेकर जो नाराजगी जताई गई इसलिए विश्वास आपका बन गया है? मैं यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि ये सारे लोग पहले भी कह रहे थे कि 10 की 10 हारेंगे, और हम कह रहे भाई 75 की 75 जीतेंगे, 76 उसके 74 नहीं होंगे। ये ईमानदारी की बात है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। आप जाकर के पूछिए लोगों के बीच में, 10-5 लोग फैसला करने वाले नहीं है विधानसभा का, ये 10 लोग बैठे हैं, ठीक है ये सम्मानित लोग हैं, लेकिन 10 लोगों से फैसला नहीं होगा। पूरे खरखोदा के अंदर जाकर सर्वे करिए, खरखोदा के अंदर जाकर के पूछिए लोगों को, इस राज्य में इतना आनंद आया है, इस राज्य में इतनी खुशी आई है। आपने देखा होगा कि मनोहर लाल जी की जो यात्रा चल रही है, किस तरीके से लोग उमड़ उमड़ करके उनका। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है बिना सर्वे आए? हमने आपके सर्वे पे आरोप नहीं लगाया, हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं हरियाणा के अंदर जनता का उनके पर, हम देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और देखकर भी आए हैं। हम आज की स्थिति पर नहीं चल रहे हैं, हम पूरी स्थिति को खंगाल कर आए हैं, उसके बाद आपसे सवाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर दो बुनियादी बात कर रहा हूँ आपको कि खरखोदा के अंदर हमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया और जो बुनियादी जरूरत थी खरखोदा की हमने उसको पूरा करने की कोशिश की। चलिए वो खैर, आप देखेंगे कि खरखोदा मंडल बना, लेकिन यहां पर अधिकारी ज्यादातर या सोनीपत जाते थे या रोहतक जाते थे, लेकिन हमने मिनी सेक्रेटरिएट, करोड़ों रुपए से मिनी सेक्रेटरिएट बनकर के तैयार हो रही है। हमने ये व्यवस्था की कि जो अधिकारी है वो यही रहे, यहां रहकर के काम करे, पूरे 8 के 8 घंटे ड्यूटी करे, उसकी व्यवस्था बनाई है। हमने जो पानी की आप लोग आरोप लगा रहे थे कुछ देर पहले, हमने पानी के लिए भी व्यवस्था बनाई, पूरी की पूरी व्यवस्था बन चुकी है। देखिए, ये पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार राज करती रही है, इतने गड्ढे खोदे हैं 5 साल में, तो गड्ढे भरे हैं, अब दिखाई देगा विकास इस 5 साल में। अच्छा चलिए, अभी आपने जैसा जिक्र किया कि 10 सीटों की बात की गई थी, बिल्कुल मैं बीच में आपको काट रही हूँ, लेकिन जो दावे यहाँ पर ठोक रहे हैं, जनता से भी एक बार इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, आपको लगता है कि व्यवस्था काम कर रही है बीजेपी की? हम तो मैडम एक बात जानते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, हमें कुछ सहूलियतें चाहिए, जैसे बिजली है जी। आजकल भैंसों के ऊपर, पशुओं के ऊपर भी हमें पंखे चलाने पड़ते हैं, अगर बिजली ना आएगी तो हम परेशान रहेंगे। तो मेरा मतलब है बिजली बहुत कम आती है, इसका इंतजाम होना चाहिए जी।
बिल्कुल बिजली की यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो बीजेपी से काकरन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत से दावे ठोक रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, उनके दावे पर क्या कहेंगे? देखिए हमारी मैडम ये बात ये है, बीजेपी ठीक अच्छा राज है बीजेपी का, कोई गलत नहीं, अच्छा काम करेगा बीजेपी और अच्छा जो करेगा वही जीतेगा, उसी का जीत होगा। चलिए तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे, जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। यहाँ से भी जान लेते हैं बीजेपी को लेकर रिएक्शन, काकरन साहब जो व्यवस्था को लेकर दावे ठोक रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, कितना सहमत है आप? मैं बिल्कुल सहमत नहीं, ये जाट विरोधी पार्टी है, जाट विरोधी पार्टी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। काकरन साहब के पास आएंगे ऋतु, यहाँ जनता के बीच से जननायक जनता पार्टी और इनालो के लिए भी सवाल खड़े किए गए, जो अपने घर को ही एक नहीं करके चला वो प्रदेश को कैसे चलाएगा, दोनों पार्टियों से सवाल ले लीजिएगा। एक बार पहले हरिप्रकाश मंडल जी से ही पूछ लेते हैं, दादे से पोता अलग हो गया है। प्रयास जो है चल रहे हैं, वो चौटाला साहब के पास भी और दुष्यंत जी के पास भी जो है गए थे, दुष्यंत जी ने ये आश्वासन दिया कि मैं भाई साहब अपने पिताजी से मिलूंगा जेल में जाकर और तब उसके बाद बताऊंगा हर तरह से प्रयास। तो अभी विचार चल रहा है दोनों पार्टियों में क्या? आज उन्होंने जो है बताना था वो बता भी दिया होगा और बहुत ज्यादा प्रयास चले, 5 तारीख को शायद जो है इकट्ठा हो जाएंगे। यानी कि जो आपके समर्थक थे, जो अलग अलग पार्टियों में थे, जो अभी एक दूसरे की काटना कर रहे थे, अब उनको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा काम। ये तो वही हाल हो गया उत्तर प्रदेश में, जैसे बीएसपी एसपी आई थी साथ में, अब एक दूसरे को गाली गलौज से सामना कर रहे हैं। मैडम ऐसा है, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई किसी की काट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, और हमारा आपस में भाईचारा है, किसी की कोई काट हमारा हम नहीं कर रहे बिल्कुल। चलिए काटना की बात तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, परिवार एक साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जेजेपी का तो बीएसपी से गठबंधन हुआ है, अब क्या होगा? ये बीजेपी के साथी कह रहे, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बीएसपी का क्या होगा अगर एनएलडी और जेजेपी एक साथ हो जाते हैं तो? जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दिल का रिश्ता है, संगठन हो चुका है, समझौता हो चुका है, सीटों का वितरण हो चुका है और हर जिले में जिले वाइज दोनों पार्टियों की संयुक्त मीटिंग जारी है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला टाइम जो है, दोनों संयुक्त पार्टी का आने वाला टाइम है, प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में, जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आईएनएल के साथ मिलेंगे क्या? संभावना बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि संभावना बहुत ज्यादा हो रही है और आने वाले दिन में शायद अनाउंसमेंट भी हो जाए। ये अखबारी और कुछ एक आदमियों का ये षड्यंत्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ मनमुटाव खत्म नहीं हो रहा है हरिप्रकाश जी? ऐसा है जी, ये जो है बात चल रही है, 5 तारीख को इसका फाइनल हो जाएगा और 5 तारीख को जो है 100% जो है वो एक हो जाएंगे हम। ये जिस तरह से यहाँ पर राजकुमार जी जवाब दे रहे हैं, क्या माने कि पोता ढीट हो गया है दादा के सामने? ये राजकुमार जी की व्यक्तिगत इनकी सोच है, जो ये कह सकते हैं वो कर रहे हैं, ये इनकी व्यक्तिगत सोच है इनकी। चलिए व्यक्तिगत सोच है लेकिन दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। चलिए बीएसपी के साथ अगर आप भी जाते हैं, बीएसपी के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ बीएसपी एसपी के साथ, स्थिति क्या हरियाणा में बनते हुए आप देख रहे हैं? हर जगह की हर मौके की अलग अलग बात होती है, हर आदमी से अलग अलग है। ये तो शुरुआती चर्चा है राजकुमार जी, ये शुरुआती चर्चा है, बाद में क्या होगा वो आप खुद नहीं जानते। जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कमेरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रदेश के अंदर 80% आदमी किसान मजदूर है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी है, ये उनका नेतृत्व करते हैं, दिल का रिश्ता है, समझौता हो चुका है, सीटें बढ़ चुकी हैं, जैसे मैंने बताया हर जिले में मीटिंगें हो चुकी हैं और हम गांव गांव से हाथ में जाकर के घर घर गली गली एक एक आदमी से हम संपर्क करने लगे हुए हैं। आने वाला समय में एक बात और, अभी ये बीजेपी के साथी भ्रष्टाचारी कोई बात कर रही थी, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस देश को लूटा, बुरी तरह से लूटा, लेकिन बीजेपी वालों का लूटने का तरीका एक अलहदा रहा है, इन्होंने नीरव मोदी के माध्यम से, विजय माल्या के माध्यम से, चौकसी के माध्यम से, ललित मोदी के माध्यम से, अडानी के माध्यम से, अंबानी के माध्यम से देश को लूटने का काम करें, तरीका अलग था, ये प्रोफेशनल चोर हैं। और जिस प्रकार से सुनिए जिस प्रकार से नोटबंदी कही है, एक सिस्टम से कही करी गई और उसको हम कह सकते कानून ने डाका डालने का काम किया है, आज RBI की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी इसको उजागर किया है, एक नोटबंदी देश के ऊपर एक सरकारी। चलिए चलिए कुलदीप जी, नोटबंदी GST और जिस तरह की आर्थिक मंदी आई है वो पीछा नहीं छोड़ रहे, विपक्ष को लगातार मौका मिल रहा है आप पर हमला करने के लिए, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इससे किस तरीके से जूझेंगे आप यहाँ पर? देखिए ये जो लोग आरोप फिर लगा रहे हैं
कि जीएसटी नोटबंदी ये दोनों के दोनों देश हित में है। जिस प्रकार से काला धन देश के अंदर पैदा हो गया था, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में पैसे का दुरुपयोग हो गया था, उस सारे को रोकने के लिए मोदी जी ने एक सफल अभियान चलाया, नोटबंदी की, जीएसटी लगा करके और देश को आगे बढ़ाने का काम किया और आप देख रहे हैं कि उसके फल आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पौधा लगाए और फल आना शुरू हो जाए, टाइम लगता है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि जीएसटी के रुझान जो है आपके सामने आने लगे हैं और इससे देश आगे बढ़ रहा है ना कि पीछे बढ़ रहा है। अगर जीएसटी इतनी बुरी चीज होती तो उसको लागू ना होती। सबसे पहले आप देखिए कांग्रेस वालों ने ही तो इसको लागू किया था, उन्होंने तो इसको शुरुआत की थी, हमने तो इसको पूर्ण रूप से लागू किया है। और लागू करने के बाद ये लोग कांग्रेस के और ये दो लोग विरोधी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। चलिए विरोध वो कई बातों का, लेकिन मेरा एक सवाल जी कहना चाहता हूं मैं। INLD ये क्या नाम है, अपने JJP वाले हमारे साथी कह रहे हैं कि BSP के साथ गठबंधन हो चुका। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जनता बैठी है, BSP ने आज तक किसी का साथ निभाया कि इनका निभाएंगे? इनको खूब पता है, अच्छे से पता है ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। अच्छा, जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि NLD और JJP, अभी हालांकि जिक्र हो रहा है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अगर ये दोनों पार्टी एक साथ हो जाती है आपको मौका मिलेगा और ज्यादा उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाएगी आपके लिए? अगर ये छोटी मोटी पार्टी है, जिस तरह से होता है ना कभी कई कई पार्टियां जो है वो मैजिक नंबर का खेल बिगाड़ देती है, ये दो बड़ी जीरो मिल जाए तो उससे एक बड़ी जीरो बन सकती है, आगे कुछ नहीं हो सकता। ये दो बड़ी जीरो है और कुछ है ही नहीं इनके पास, ये दो बन जाए चाहे इनके साथ कांग्रेस भी मिल जाए। लोगों ने मन बना लिया है, वोट लोगों ने डालनी है, लोगों ने फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ईमानदार सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी के साथ देश में प्रदेश में काम हो रहा है और लोगों ने फैसला कर रखा है। राजकुमार जी, गठबंधन पर वार हो रहा है, गठबंधन को लेकर सवाल आप ही को देने पड़ेंगे, जवाब आप ही को देने पड़ेंगे। ये गठबंधन आत्माओं का है, विचारों का है, नीतियों का है, नेताओं के बीच का है और जनता की मांग का है। और जैसा मैंने पहले बताया, कमेरे वर्ग की ये मांग थी कि भाई दोनों पार्टियां इकट्ठी हों, क्योंकि कमेरा यहाँ देश में दो ही बिरादरी हैं, एक लुटेरा वर्ग एक कमेरा वर्ग। आज लुटेरा वर्ग चंडीगढ़ के अंदर बैठा हुआ है, कमेरे वर्ग ने ये मन बना लिया है ये लुटेरे वर्ग का हाथ पड़ा घसीट कर नीचे उतारना है। रही बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री की, प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान एक बात चली थी, मोदी तेरे से बैर नियर खट तेरी खैर नहीं, आने वाले विधानसभा में BJP का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचने वाला है, ये तय हो चुका है, ये मुगालते में है, ये जो भी है इनके ये मुहावरे हैं, ये एक एक करके मुहावरे आने लगे हैं। हालांकि मुहावरा जो था राजस्थान का था, मैं आइनली जिसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, हरिप्रकाश जी आपने सुना कि किस तरह से बातें यहाँ पर की जा रही थी, गठबंधन पर यहाँ पर वार किया जा था, लेकिन अगर हम खरकौदा की यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें जो बनती है वो आपकी पार्टी के लिए बनती है, तो आपको कितना भरोसा है यहाँ पर हमें जो पूरा भरोसा है 101% जो है हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लेवल किसी को भी टिकट देगी वो जो है भारी बहुमत से जीतेगा, किसी को भी देगी, चाहे जो वो पार्टी के ऊपर है बात, जिसको भी देगी, मुझे दे और कोशिश को दे, वो भारी बहुमत से जीतेगा। यानी कि अगर आपका नाम ना होगा किसी और का नाम आ गया समर्थन आपका पूरा रहेगा? मैं कहता हूँ A to Z जिसको भी टिकट देगी पार्टी वो भारी बहुमत से जीतेगा डेफिनेट। चलिए, कम से कम जो नेता है पार्टी के उनमें तो सहयोग यहाँ पर दिख रहा है, चाहे दादा पोते परिवार में यहाँ पर दिख ना रहा हो। एक बार फिर से चलिए रुक कर लेते हैं यहाँ पर आशिमा का। आशिमा, क्या कुछ और सवाल जनता के मन में? बिल्कुल, जनता का रुख करने से पहले एक और सवाल जो है वो मैं कुलदीप जी से करना चाहूंगी। बेहद मुस्कुरा रहे थे कुलदीप जी, यहाँ पर जीरो की बात कर रहे थे कुलदीप जी। आप यहाँ पर मवेशियों की अगर हम बात करें, सोनीपत नगर निगम में 25 लाख रुपए का टेंडर जो है वो दिया जाता है हर महीने, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो परेशानियां हैं वो बनी हुई है। जनता के बीच से जाट विरोधी पार्टी का आरोप लगाया आपकी पार्टी पर, इन दोनों सवालों का जवाब फिर जनता से जवाब लेंगे। ऋतु जी, कुलदीप जी बताइए, सवाल आया है आपके पास, जीरो की बात कही है आपने। मैंने जीरो की बात कही है, इससे पहले मैं अभी बहन जी बात कर रही थी जाट विरोधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की विरोधी नहीं है, अगर विरोधी है तो देश के दुश्मनों का विरोध करती है, अगर विरोधी है तो भ्रष्टाचार का विरोध करती है, अगर विरोध करती है तो जो समाज के अंदर बुराइयां व्याप्त हो गई हैं उनका विरोध करती है।
कुलदीप जी, आपने शायद सवाल सुना नहीं मेरी सहयोगी का। सवाल ये था कि जो फंड गौशाला के लिए जमा कराया गया है, जो दिया गया है, वो कहां गया? जो फंड गौशाला के लिए दिया गया है, हमने गौशाला का निर्माण किया है। आप देखेंगे रोहतक रोड के ऊपर गौशाला का निर्माण हो चुका है और उसके अंदर गौशाला है, गौएं हैं उसके अंदर, आप जाकर के देखिए। ये जो बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कौन सी बात करनी चाहिए। आज मुद्दा गौशाला का नहीं है। कुलदीप जी, कुछ आंखों की भी हकीकत होती है। कुछ मुद्दा, आज मुद्दा हम खरखोदा का लेके चले, केवल गाय की बात ना करें, बात करें कि आप खरखोदा में चाहते क्या है। आप पीछे देखिए, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का विधायक बनाया, आपने देखिए कांग्रेस के विधायक ने कोई काम ही नहीं किया। हमने आकर के जो इनके खड्डे हो गए थे, जो इनके तो काम खड्डों पे आ गए। हम मवेशियों की बात कर रहे हैं, मवेशियों के लिए अकेले सोनीपत नगर निगम में 25 लाख रुपए मैं सोनीपत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वैसी बनी हुई है। हम ये जानना चाह रहे हैं, मैं सोनीपत की तो बात नहीं कर पाऊंगा, सोनीपत के विधायक हैं, वो सोनीपत का जवाब वो देंगे। मैं खरखोदा की बात करता हूँ। पार्टी तो आपकी है, आप ही की पार्टी के विधायक है, पार्टी मेरी, देखिए पार्टी मेरी है, लेकिन मैं बात खरखोदा ही कर रहा हूँ। खरखोदा के अंदर जो गौशाला के लिए पैसे आए थे, हमने गौशाला का पूर्ण रूप से निर्माण कर दिया और उसके अंदर गौशाला गौवे हैं। चलिए सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन के जो जवाब हैं वो गोल मटोल करके दिए जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, एक बार फिर से जानेंगे और कई सवालों को दागेंगे यहाँ पर नेताओं के साथ, और जानेंगे जनता के नींद में बीच में, जनता के मन में और कौन से सवाल यहाँ पर पनप रहे हैं। जनता काफी एक्साइटेड है, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो हमने शो के दौरान ही देख रहे हैं। आप बिजली जो है वो कट गई थी, बिजली को लेकर गुस्सा है, रोजगार को लेकर गुस्सा है, और जो आवारा पशु है उनको लेकर गुस्सा है। सवाल लेकिन ये है कि आखिर खरखोदा का विकास हो क्यों नहीं पाया है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन उसके बाद भी खरखोदा की बुनियादी जो मुद्दे हैं वो जनता ही बता पाएंगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आखिर खरखोदा का जो विकास है वो क्यों नहीं हो पाया, क्या रुकावट? खरखोदा विधानसभा क्षेत्र जो है वो वैसे सबसे शिक्षित विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि हम दिल्ली से सटे हुए हैं। ये जो कुलदीप काकरण मेरे सामने खड़ा है, इसका भी मुझे पता है, दूसरी जो विधानसभा से बाहर जाके वोट मांगने चला गया था। तो इन लोगों को यहाँ के इतिहास का नहीं पता। अभी यहाँ से थोड़ी 200 मीटर दूरी पे अब का जो वर्तमान एमएलए 200 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, वो डरता हुआ यहाँ पे नहीं आया। हमारी ये जो खरखोदा में लगभग 58 गांव है, जो इन सब की एक ही मांग है कि यहाँ से क्या, यहाँ की माओ ने बेटे जनने बंद कर दिए, यहाँ का एक लोकल प्रत्याशी यदि चुनाव में आएगा तो यहाँ के मुद्दों को उठा पाएगा। बिल्कुल, तो बाहरी प्रत्याशी जो है वो यहाँ के इतिहास को नहीं जानते। एक बड़ी वजह है ये कि खरखोदा का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। आप क्या कहेंगे? मैडम, यहाँ सिर्फ कस्बे की जनता बैठी, देहात की नहीं बैठी। काकरान साहब को तो ये नहीं पता आप गांव में लाइट रहेगी नहीं रहेगी। सर आपको नहीं पता, डिस्पेंसरी है तो वहां पैरासीटामोल की गोली नहीं है, मच्छर है तो डीटीटी नहीं छिड़क सकती है सरकार। और यहाँ से खरखोदा कस्बे से 40 बसें जा करती दिल्ली में, आज 4 बस नहीं जा रही। ये विकास करेंगे जबकि हम दिल्ली में रोजगार करते हैं? तो इस सवाल पर गौर फरमाएगा, पूछेगा यहाँ पर जी। ऐसे देहात का इलाका है, किसी भी गांव में जाकर देख लो, आज 5 साल हो गए किसी भी नहर में कोई भी पानी आया हो तो। इससे निकम्मी सरकार, क्या यार बकवास कर रहा है तू, बोलने नहीं देता। देखिए माहौल मत खराब करिए, आप ऐसे बात करेंगे, ऐसे लड़ेंगे आपस में तो फिर वो मजा ले जाएंगे। ये बोलता हूँ मैं, ये कह रहा हूँ, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न खेतों में पानी है, न जो है ना महंगाई घटी है, न यहाँ पर किसी प्रकार का विकास है, न बच्चियों की सुरक्षा है, न जो है ना यहाँ पर किसी प्रकार की किसी भी हॉस्पिटल में कोई दवाई है जी। मैडम विकास इसलिए नहीं हुआ, जिस पार्टी का यहाँ पर हरियाणा में राज होता है ना, यहाँ पर विधायक ज्यादातर विपक्ष में रहा है, ये मेन कारण है। और ना ही यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा विधायक आया है। हमारी पार्टी ने हमारे जो है इसके विधानसभा के बारे में जो है बहुत बढ़िया सोचा है कि पढ़ा लिखा विधायक यानी कि जो PhD विधायक है वो दिया है BJP ने, तो इससे बेहतर काम हो नहीं सकता। अगर स्कूल में भी टीचर रखेंगे तो जी पढ़े लिखे न रखेंगे, कोई न्यू थोड़ी कहेगा यो खरखोदेगा है तो यो खरखोदेगा जो है पढ़ा देगा, यो जो है रोनेगा तो यो ना पढ़ावे, यो सिसानेगा तो यो ना पढ़ावे। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल जी। इनकी सरकार का MLA बड़ा है कौन सा है बताओ, विधायक दिया इनने,
इनके क्या एमएलए कद बने बता दो ये यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं बना डॉक्टर भीम सिंह दैया डॉक्टर थे हुकुम सिंह दैया एलएलबी थे विदेश की बड़ी कंपनियों के निवेश के दावे आपकी तरफ से किए गए थे लेकिन वो तो दावे बनकर रह गए। और सवाल ये भी है कुलदीप जी, जब जनता अपनी समस्याओं को बता रही है आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा मतलब क्या उन्होंने गुनाह कर दिया है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ही उनके लिए ही वो मोहताज हो रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूं ना आपको, मैंने पहले भी बताया कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने पहले आपको एक एक गिन करके बताया कि हमने क्या क्या काम किए 5 साल के अंदर और क्या क्या हमारी अगली योजनाएं हैं, हमने ये भी आपको बताया। आप कह रहे हैं मुस्कुराने का विषय ये नहीं था, कोई और विषय था, किसी के ऊपर कोई प्रयास कर रहा था उसके लिए मैं देख रहा था, तो जनता के ऊपर कोई मुस्कुराने की बात नहीं थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खरखोदा के अंदर खिलेगा, जनता खिलेगा और खिलेगा, चैलेंज बहुत तगड़ा है, खरखोदा का कमल खिलेगा और खरखोदा के अंदर पूर्ण रूप से विकास होगा, कोई काम ऐसा नहीं बचेगा जो इन लोगों की कोई भी मांग है। चलिए कुलदीप जी, दावे बहुत किए जाते हैं, दावे होते हैं, लेकिन आपने एक बात गौर की, यहाँ के लोग जो हैं वो आखिरकार आपसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के जो नेता है वो मौजूद नहीं है, उनसे क्यों नहीं? क्योंकि आप सरकार में हैं, अगर विधायक ने काम नहीं किया है तो सरकार से तो एटलीस्ट यहाँ पर जनता उम्मीद करेगी। हमने देखिए पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हमने चुनाव लड़ा लेकिन जनता ने हमें पूर्ण रूप से उस टाइम पर समर्थन नहीं दिया था और कांग्रेस की सरकार, लेकिन सर अब तो विश्वास बनवाना चाहिए था, इन 5 सालों में विश्वास बनवाना चाहिए था जनता के बीच जाकर, आपको नहीं लोगों के बीच रहे हैं, इतिहास रहा है, बीजेपी को मौका ही नहीं दिया जनता ने, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के काम कराए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल वायदा कर रहा हूँ, स्टेज के ऊपर वायदा कर रहा हूँ कि जो आईएमटी के लिए जो हमने योजनाएं बनाई है, अब हमने आईएमटी के लिए योजना बनाई है कि भाई जिस तरीके से रोड बनाए हैं, जिस तरीके से सड़कें बनाई हैं, सर सड़कों का एग्जांपल तो हमने ही दे दिया था आपको, हम भी रास्ते से आ रहे थे गड़गड़ करके हमारी गाड़ी, नहीं मैडम आप बाईपास से निकलिए ना, बाईपास भी तो हम ही ने बनाया। ओके चलिए आप जिस रास्ते पे गएंगे शायद कुलदीप जी से जो बताएंगे उसी रास्ते पे आश्रम में जाना पड़ेगा। राजकुमार जी कुछ कह रहे थे, बताइए आपका क्या कहना है बीजेपी के जो नेता है हमारे साथ? बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, हरियाणा के अंदर माइनिंग घोटाला होया, मेडिसिन को घोटाला होया, किलोमीटर स्कीम के अंदर घोटाला होया, और ये बिरादरी की बात करते जो गरीब तबके के बच्चे हैं एससी एसटी के, उनकी छात्रवृत्ति के अंदर भी घोटाला करने का काम इन लोगों ने किया है। और ये कहते हैं आज अब की बार 75 बार ऐसा ना होकर के जुमला ही इनका, इनका कोई भी जुमला आज तक जमीन के ऊपर नहीं उतरा है, अब की बार बीजेपी बाहर। आप अपनी पार्टी का दावा कर दीजिए, उन्होंने तो 75 पार का नारा दे दिया, आप ही बता दीजिए कौन सा नारा? अब के बार जेजेपी और बसपा की सरकार, ये नारा है जन जन की जुबान पे है और हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट रुकिए। यानी कि एनएलडी से कोई उम्मीद ही नहीं है कि उनसे बैर जो है वो खत्म होगा? ये कल्पनाओं की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, बात ये है जन नायक जनता पार्टी और बसपा की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने के बाद माधड़ी दूसरे चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, उनका विजन ये है हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा तबका खेत किसानी से जुड़ा हुआ है, पहले कलम से किसान कर मजदूर का कर्ज माफ करने का काम जन नायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करेगी। चलिए हरि प्रकाश जी, इन्होंने तो बोल दिया कि हम तो परिवार के साथ वापस नहीं आने वाले, जो बैर है वो बैर बरकरार रहेगा, आपका कोई आंकड़ा है जिस तरह से 75 पार और इनका तो बीएसपी और जेजेपी इस बार? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रुडाऊ साहब का अपना व्यक्तिगत फैसला है, व्यक्तिगत विचार है उनके, ऐसा कुछ नहीं है, 5 तारीख को भगवान ने चाहा तो ये सब एक हो जाएगा। और दूसरा बीजेपी की बात है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई जो है हमारे यहाँ विकास हुआ, अब एक भाई कह रहा था 2200 नौकरी जो है लगा दी, कौन सी 2200 नौकरी लगा दी, एक फोर्थ क्लास की नौकरी को छोड़कर, इन जो 8वीं और 10वीं पास जो है जिन क्वालिफिकेशन थी जिस पोस्ट की उस पर ही उन्होंने PhD और MA और BA और इस तरह के जो है ना जो इंजीनियरिंग वगैरह LLB थे उनको जो है किया है, उनको तो मेरिट अपने आप ही बननी थी, वे जो 8वीं पास हुई और 10वीं पास +2 के बच्चे हैं वे तो ऐसे ही रह गए, उन्होंने क्या कौन सा नौकरी दे दी? आज उसका HPSC का चेयरमैन है, SS बोर्ड का चेयरमैन है, SS बोर्ड के चेयरमैन को इनको हटाना पड़ा, सारे सारे पेपर्स जो है लीक हुए, बताओ इन्हें कौन सी नौकरी दी है?
चलिए सवाल यहाँ पर कुलदीप जी के लिए, लेकिन सवाल मेरा एक और है कुलदीप जी के लिए। कुलदीप जी, अभी जिस तरह से आप जीत का दावा कर रहे हैं, ये अभी तक देखा गया है जो भी सांसद चुना जाता है, बीजेपी के जो सांसद चुने गए हैं सोनीपत से, खरकौदा से ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं मिला है, तो ऐसे में खरकौदा की इस सीट को लेकर इतना विश्वास क्यों? खरकौदा में पिछली बार आपने देखा होगा कि हम थोड़ी सी वोटों से रह गए, लेकिन जिस तरीके से हमने 5 साल में काम किए, लोगों को पसंद आए वो, और उस पसंद आने का कारण ये आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे लोकसभा में तो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनावों की बात करें तो शहर के मुद्दे हैं, सरकार के राज्य के मुद्दे हैं। यहाँ पर ये यहाँ की जो मैं बात करूँ, यहाँ हम बहुत ज्यादा वोटों से नहीं आ रहे, 2-4 हजार वोट। सर आप तो दूसरे नंबर तक भी नहीं रहे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर भी कभी नहीं आए सर। और आशिमा यहाँ पे तो इनकी जमानत भी जब्त हो गई है। जी बिल्कुल, जनता है ऋतु, जवाब लेंगे इनसे। पिछले जब चुनाव होते विधानसभा चुनाव के, जमानत जब्त नहीं हुई, ये कौन कह रहा है जमानत जब्त हुई है? चाहे नंबरों की बात मत करिए आप, नंबर तो आपका भी कौन सा होगा तो बार देख लेंगे हम। 75 पार के बाद नंबरों का खेल तो चलेगा, आप कौन से नंबर पर आएंगे ये तो आपको भी पता है कि कौन सा आपका नंबर है। लेकिन जहां तक बात खरकौदा की है, बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे और दावे के साथ जीतेंगे। काम किया है, काम किया है हमने, हल्के का विकास किया है हमने, लोगों की भावना है हमारे साथ, लोगों का विश्वास है हमारे साथ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसलिए हम जीतेंगे। दावा तो ठोक रहे हैं कुलदीप जी, तमाम जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन एक बार जनता की, खरकौदा की जनता से जान लेते कि खरकौदा की जनता इस बार किसके साथ है। बिल्कुल, किसके साथ है खरकौदा की जनता? इन लोगों के साथ है सारी जनता, खरकौदा ने जो भी टिकट मिलेगी वो विधायक बनेगा इन लोगों से। आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे डाउन दौर में गुजरी है, 5% है GDP, 1% कम होने के बाद 1,00,000 करोड़ देश का घाटा होता है। कांग्रेस के राज में भी थी, कांग्रेस ने देश को लूट के खाया, उस टाइम भी 7.8 थी। इसका जवाब दो काकरण साहब, आप तो PhD हो, सब्जेक्ट तो PhD तो कौन से, ये मतलब पता नहीं है। जनता का सवाल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है ऋतु, बहुत समय की कमी है, जल्दी छोटा सा सवाल। चौकीदार तो आगे लगा दिए चपड़ासी, अरे जो सारे बाहर के लगा दिए, दो हरियाणा के लगे, बिल्कुल दो हरियाणा के है, बाकी SDO लगे 40-38 गुजरात के, दो हरियाणा के। विकास कार्य बार बार कर रहे हैं, विकास कार्य बार बार कर रहे हैं, 100 मीटर दूर जाके देखिए विकास। ठीक है ठीक है, जनता का गुस्सा जो है वो जाहिर है ऋतु, और जनता किसके साथ है? बीजेपी को तो कहीं ना कहीं नकार रही है जनता का। ये जो सवाल है आशिमा, इन सवालों के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जनता है वो किस पार्टी को लेकर यहाँ पर उत्साहित दिख रही है और किस पार्टी को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जो हमारे तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद रहे हमारे साथ इस चर्चा में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारी जनता का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे और नेताओं से पूछा कि आखिरकार आपने क्या किया और आने वाले वक्त में आप क्या कुछ करने। बिल्कुल ऋतु, आप ना, हम सब ने जनता को सुना, राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को सुना, लेकिन आने वाले विधानसभा में ही जनता ही तय करेगी आखिर किसके गले में जीत का हार डालना है। तो कुरुक्षेत्र 2019 में यहाँ पर वक्त हो चला है हमसे हमारा विदा करने का, तो आप बने रहिए R9 TV के साथ ज्यादा खबरों के लिए। नमस्कार।